हेलो एवरीवन, मैं बी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवानी पर स्वागत करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सबको जानते हैं, ये महाभारत सीरीज हम लोग SST का पढ़ रहे थे, जिसका ये 12th वीडियो है। एक्चुअली क्या ये 12th वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं, और इसका भी हम लोग दो सीरीज में पढ़ेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू में। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, जिसमें से हम लोग SST के तीन सब्जेक्ट क्लियर कर चुके थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और आप लोग को बता दें कि चारों सब्जेक्ट में से 10-10 मार्क्स का आपको पूछने वाला है, जिसमें से हम लोग 30 मार्क्स को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स पावर शेयरिंग, जैसा कि आप सबको जानते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से 5-5 मार्क्स का, और हिस्ट्री का एक ही चैप्टर आने वाला था जिसमें से 10 मार्क्स का आने वाला है। तो हिस्ट्री का तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही चैप्टर, आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। बस आपको बस एक ही बात ध्यान देना है कि कोई भी आप वीडियोस पढ़ रहे हैं, उसको वीडियोस को उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसका क्या कीजिए, आप रिविजन कीजिए, तभी आपका मार्क्स सही आने वाला है। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है, कैसे एग्जाम में आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इसको एग्जाम में आए हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझ आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है पावर सेल। देखिए, पावर का मतलब क्या होता है कि एक तरह के स्पेशल राइट आपको मिला हुआ है। पावर मतलब एक स्पेशल राइट, ऐसा कोई नहीं है कि आपको चमत्कार है आपके अंदर भगवान की तरह, बस समझे। पावर इज नथिंग बट इट्स अ स्पेशल राइट, एक तरह से प्रिविलेज होता है, ठीक है ना। और शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ पीपल्स में क्या करना, डिवाइड करना। देन वी कैन सी डेट पावर शेयरिंग मीन्स पावर का बंटवारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में। बात समझ आ गया। देखिए, ये चैप्टर में हम लोग दो स्टेट्स के बारे में, दो कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बेल्जियम एक श्रीलंका। ये दो हम लोग कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके माध्यम से, इसके स्टोरीज के माध्यम से समझेंगे किस तरह डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट के लोग जो होते हैं किसी देश में रहते हैं, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है जब आप एक किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी, पार्टिकुलर लैंग्वेज को बेस बना करके किसी एक को सपोर्ट किया जाता है तो दूसरा किस तरह उसका विरोध करता है, और कैसे गवर्नमेंट वहाँ की, रीजनल जो गवर्नमेंट है, कैसे उसको क्या करती है, उसको हैंडल करती है, और कैसे वहाँ जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखती है, वहाँ जो है पीसफुल एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को रन करती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इन दो माध्यम से, कंट्री के जो स्टोरी है उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि आखिर है क्या। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बेल्जियम भी देखते हैं। देखिए, बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में, यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। एक्चुअली क्या है, इस जो आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच में तीन वो कंट्री है, जिसमें से सबसे ऊपर आएगा नीदरलैंड, नीचे आएगा बेल्जियम, उसके आएगा लक्जमबर्ग, ठीक है ना। ये तीनों को मिलाकर के जो है एक ही साथ में एक बेनेक्स कंट्री हम लोग इसको जानते हैं, बेनेक्स के नाम से एक क्या इकोनॉमिक संगठन है ये तीनों कंट्री का, हालांकि इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे भी। तो देखिए, इसमें क्या है कि तीन भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, मैक्सिमम जो थे दो भाषा के बोलने वाले लोग रहते थे। एक जो थे भाई साहब आप डच, डच स्पीकिंग थे, और एक थे फ्रेंच स्पीकिंग थे। देखिए, फ्रांस इधर है तो इस एरिया से क्या है, फ्रांसीसी घुस गए थे रहने के लिए, और इस एरिया से वो ऊपर नीदरलैंड था, तो नीदरलैंड, हॉलैंड जिसको बोलते हैं, नया नाम नीदरलैंड हो गया, वहां के लोग, उनकी भाषा डचेस थी, ये लोग डच बोलते थे। बात समझे ना। अब समझना ये है कि जो ये जो आप एरिया डच वाला, जो डच स्पीकिंग एरिया है, इसको हम लोग बोलते थे फ्लेमिश। इस एरिया को क्या बोलते थे, फ्लेमिश या फ्लेमिश बोलते थे। दूसरा इधर आएंगे जो हम फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, ठीक है ना, इस एरिया को हम लोग वालोनिया बोलते थे, सॉरी NIA, वालोनिया, या इसी को हम लोग बोल सकते थे वालू। बात समझे कि नहीं। तो ये वालोनिया में कौन रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग, फ्लेमिश में कौन रहते थे, डच स्पीकिंग लोग रहते थे। अब बात आता है कि कितने इनकी परसेंटेज क्या थी, इनमें रहने, मतलब जो लोग रह रहे थे उसको थोड़ा सा गौर से यहाँ पर समझिएगा। देखिए, जो लोग डच स्पीकिंग थे ये थे मेजोरिटी में, ये 59% थे। जो लोग फ्रेंच थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, इनका जो संख्या था वो 40% टोटल पॉपुलेशन का। बस समझ आया, ये पूरे बेल्जियम का बात बता रहा है, ठीक है ना। और 1% जो थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, जर्मनी एक्चुअली इधर पड़ेगा,
ठीक है ना, इस वाले एरिया में। आई होप कि इतना बात तो आपको समझ आएगा, सबको नोट्स करते चलिए। इसका जो कैपिटल है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर वाला, इसका कैपिटल कहाँ पे है, इसको बोलते थे ब्रुसेल्स। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये जो छोटा वाला रीजन देख रहे हैं, ये ब्रुसेल्स है, ये क्या है, ब्राजील सॉरी बेल्जियम का क्या है, ये कैपिटल है। और ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी कुछ कंपोजिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर पूरे बेल्जियम में बात करें तो सबसे ज्यादा जो संख्या था मेजोरिटी में कौन थे, डचेस थे, डच स्पीकिंग थे। माइनॉरिटी में कौन थे, फ्रेंच स्पीकिंग। लेकिन जब हम लोग यहाँ के कैपिटल में देखेंगे तो कैपिटल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनका संख्या 80% था, वो मेजोरिटी में हो जा रहा थे, और डच स्पीकिंग थे उनका संख्या 20% हो जा रहा था। इतना बात समझिए, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलता था। जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे ये लोग धनी बनी थे, ये लोग पावर में थे, ये लोगों के पास पावर था, जिसके वजह से जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और डच स्पीकिंग का विरोध करते थे, क्योंकि इन लोगों के द्वारा इस पर रूल किया जाता था। हालांकि जो डच स्पीकिंग थे वो मेजोरिटी में थे पूरे के पूरे अगर कंट्री की बात करें, लेकिन रूल कौन कर रहे थे, जो माइनॉरिटी में थे तो जो फ्रेंच स्पीकिंग थे। ये गवर्नमेंट में भी जो लोग थे वो इन्हीं लोगों के ग्रुप से थे जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, इसलिए इनको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलता था। तो ये वाला बात समझ आ गया कि क्या था एथनिक कॉम्पोजिशन ये बेल्जियम में। हम बात करते हैं अब श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका में जो था इसमें मिनिमम जो थे सॉरी मैक्सिमम जो थे वो सिहला, सिहला एक जो था कास्ट था जिनका लैंग्वेज था सिहली, सिहली था, बात समझ नहीं। ये सिहली जो लैंग्वेज था बेसिकली, ये बोलने वाले लोगों का संख्या 74% था, और कुछ लोग थे ये वो तमिल्स थे जिनकी संख्या जो था 18% था, और क्रिश्चियन की जो संख्या था क्रिश्चियन 7%, और 1% ऐसे लोग थे जिनके धर्म के बारे में कुछ पता नहीं चलता था। ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं आप, ये कि इस पूरे एरिया में जो थे वो सिहला लोग रहते थे जिनके, हम लोग सिहली जो लैंग्वेज था उनका, वो लोग रहते थे जिनका टोटल पॉपुलेशन कितना था, 74%। ये जो आप रेड टाइप का देख रहे थे ठीक है ना, ये इस एरिया में जो तमिल से स्पीकिंग लोग रहते थे, जो तमिल लोग थे ठीक है ना, वो रह रहे थे यहाँ पर, इनकी संख्या था 18% ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं ये कि ये दोनों के बीच जो होता है बाद में जा करके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट जो श्रीलंका है वो 1948 में आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है ठीक है ना। उसके बाद जो है सिहली लैंग्वेज वाले जितने भी थे स्पीकिंग लैंग्वेज जो लोग थे, ये लोग अपना क्या कर लेते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं। और ये जो गवर्नमेंट बनाते हैं तो इधर से तमिल वाले इनका विरोध करने लगते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो भी काम करते थे ये क्या है, अपने वेलफेयर के लिए ज्यादा, प्लस ये माइनॉरिटी पर उतना ध्यान नहीं देते थे, और इस पर अपना क्या कर रहे थे, एक्सप्लोइटेशन वगैरह कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग भी क्या हो गए, अपना अलग स्टेट का मांग करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से सिविल वार यहाँ पर भी हो गया ठीक है ना। तो ये बेसिकली था एथनिक कॉम्पोजिशन। हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, ये दो कहानी के बीच में जो एक एक कहानी हम लोग से कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि बेल्जियम से किस तरह क्वेश्चन बनने वाले हैं, श्रीलंका से किस तरह क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस तरह हम लोग क्या करते हैं एक एक करके देखते चलते हैं। देखिए कह रहा है क्या, विच कंट्री डज नॉट शेयर ओन बाउंड्री विद बेल्जियम, कह रहा है क्या बेल्जियम से कौन सा कंट्री बाउंड्री शेयर नहीं करता है। देखिए सबसे ऊपर जब हम यूरोपियन कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर जब जाएंगे ठीक है ना, तो देखेंगे आप लोगों को नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क ठीक है ना, और उसके नीचे जब आएंगे तो फ्रांस, बस समझ नहीं, जर्मनी। हाँ फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही कौन सा होगा आपको, वो सबसे ऊपर क्या होगा, नीदरलैंड, फिर नीचे उसके बीच में मतलब उसके नीचे आइएगा तो बेल्जियम होगा, उसके नीचे कौन सा होगा आपको, लग्जमबर्ग। तो ये किससे अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है, डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क ऊपर है। देखिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे देखने को, और उसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है उसमें से ठीक है ना, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कह रहा है कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो ब्रुसेल्स पीछे देखिए नहीं, इन विच ईयर बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस, तो 1830 में ये जो था इंडिपेंडेंस हुआ, क्योंकि 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था, हिस्ट्री में पढ़े थे, उसी समय ये जो बेल्जियम हो गया नीदरलैंड में मिला दिया गया था, और फ्रांस का अधीन कर दिया गया था ठीक है ना, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस समय ये क्या हो गया, आजाद हो गया। इथनी कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो बेल्जियम में देखे थे कि जो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग थे वो क्या बोलते थे, डचेज बोलते थे, उनकी संख्या 59% था, और जो एक तरह से बेल्जियम की बात कर रहे हैं, और जो वालोनिया में रहते थे वो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, इनका संख्या 40% था, 1% जर्मन भाषा बोलते थे। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में देखे क्या कि 80% जो थे वो फ्रेंच
स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे। तो जिसकी संख्या, जिस किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी, पार्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या 50% से ज्यादा होगा वो मेजोरिटी कहलाते हैं, और जिनका 50% से कम होगा वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। सिंपल बात है, बात समझ आ गया। देखिए ये बेनेक्स कंट्री, बेनेक्स इकोनॉमिक यूनियन कंट्रीज, तो बेनेक्स इकोनॉमिक यूनियन कंट्रीज में 3 गो देश आते हैं, बताए ना। सबसे ऊपर चले जाइए आप नीदरलैंड, ठीक है ना, फिर नीचे आ जाइए बेल्जियम, फिर नीचे आ जाइए लग्जमबर्ग, इसी को बेनेक्स, ठीक है ना, एलयूएक्स, इसको एक्स खाली पड़ती है, एलयू को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बेनेक्स कंट्री, तो बेनेक्स कंट्री क्या था, एक इकोनॉमिक यूनियन, ये तीनों कंट्री जो था ना अपना में एक यूनियन बनाया हुआ था कि हम तीनों आपस में व्यापार करेंगे, ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, किसी भी तरह का वीजा पासपोर्ट इस तरह के कुछ कुछ फ्री जो चीजें हैं दिया जाता है, कुछ करेंसी का भी जो होता है काफी छूट दिया जाता है ताकि लोग व्यापार बढ़ेगा, आपस में लोग आएंगे जाएंगे, इससे इनकम भी बढ़ता है लोगों को, ठीक है ना। आगे देखिए, ये देखिए फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन तो बता दिए, जो ऊपर वाला एरिया था उसको फ्लेमिश रीजन कहते थे, नीचे वाला एरिया को वैलून रीजन कहते थे, कैपिटल रीजन जो छोटका देखे ना बिछुआ में ब्लू कलर का उसको कैपिटल रीजन। यहाँ का कंपोजिशन भी बता दिए, विच कम्युनिटी बिकम एंग्री इन बेल्जियम, तो बेल्जियम में किस कम्युनिटी को डिप्राइव किया जा रहा था हर तरह के सुविधा से, तो जितने भी डच स्पीकिंग थे, ठीक है ना, उनको, तो यही ना भी एंग्री होंगे, जिनको राइट नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा उनको, मतलब जो फायदा गवर्नमेंट नहीं देगी, तो वही लोग एंग्री होंगे। तो डच स्पीकिंग लोग क्या थे उस समय, एंग्री थे, याद रखना है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो हमें समझ आ जाएगा सभी, करेक्ट। विच कम्युनिटी वाज मोर रिच एंड पावरफुल, तो फ्रेंच थे, फ्रेंच कम्युनिटी था, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो था वो मोर पावरफुल रिच भी था, ठीक है ना, इसलिए इनका विरोध कौन करते थे, ये डचेज करते थे, ठीक है ना, 1950s 60s में, सॉरी 1850s 60s में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए करा क्या, इन विच डेकेड्स टेंशन बिटवीन डच एंड फ्लेमिश फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रोज, यही 1850s 1860s के बीच में, ठीक है ना, ये लगा दिया, मतलब पूरे डेकेड की बात कर रहा है। तो जो फ्रेंच जो ये दोनों के बीच जो टेंशन बढ़ा वो 1850s और 1860s के बीच में बढ़ा हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फिर करते हैं, हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, कैपिटल में फ्रेंच जो थे वो मेजोरिटी थे 80%, आई 20% कौन था, डच स्पीकिंग थे, बात समझे कि नहीं। लेकिन वही बात करेगा पूरा का पूरा बेल्जियम में, तो ये डच जो थे 59% थे, 59% थे, और फ्रेंच स्पीकिंग जो थे 40% थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ये बेल्जियम में, बेल्जियम के कैपिटल सिटी में पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, सी मेजोरिटी कम्युनिटी इन ब्रुसेल्स, तो मेजोरिटी कम्युनिटी इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स पूछ रहा है, ठीक है ना, बेल्जियम नहीं पूछ रहा था, बेल्जियम ब्रुसेल्स में पूछेगा तो फ्रेंच स्पीकिंग, विच कम्युनिटी इन बेल्जियम, मेजोरिटी कम्युनिटी इन बेल्जियम, बेल्जियम पूछेगा तो डच, डच स्पीकिंग, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले थे डच, वो नीदरलैंड वाले ऊपर वाला साइड का नीदरलैंड। फ्रेंच स्पीकिंग लिव इन विच रीजन, देखिए फ्रेंच स्पीकिंग लिव इन विच रीजन, फ्रेंच जो बोलते थे वो किस रीजन में, तो वैलोनिया में। जर्मन स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम 1%, जर्मन स्पीकिंग 1% है, करेक्ट। विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश, किस देश में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, तो ये श्रीलंका, सॉरी बेल्जियम में, फ्रेंच में तो मेजिटेरियनिज्म बनाया गया था, बेल्जियम में, याद रखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पर हर लैंग्वेज जो भी लगे, जैसे फ्रेंच बोलने वाले थे तो उसमें से रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, वो डचेज बोलने वाले थे उसमें से जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, ताकि वो अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज आदि को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है ना, और उसकी रक्षा कर सके। फिर करा गया यहाँ पर देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन पे करा गया, विच गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशनल एंड 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 लैंग्वेज रिलेटेड इशू, करा के किस गवर्नमेंट के पास जो थे जो पावर था वो कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज के रिगार्डिंग पावर था, तो किस गवर्नमेंट के पास था, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास, अभी जस्ट यही ना पढ़ रहे, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास, याद रखिएगा क्वेश्चन। करा विच सिटी इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, देखिए हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, देखिए यूरोप के बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो अपने में एक यूनियन बनाया है, ताकि क्या करें, यूनियन बनाने से एक फायदा होता है, देखिए ग्रुप में क्या होता है, आप अगर दोस्त हैं ग्रुप में तो जो भी बात बतियाना होगा उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होगी, खुल के बात बतियाएंगे, जो भी बात होगा शेयर करेंगे, यही ना होता है ग्रुप का मतलब, वही बात है कि आप देश में ग्रुप बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, व्यापार धड़ल्ले से होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, किसी भी तरह का 10 गो 52 बखेड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए यूरोप एक यूनियन बनता है, तो यूरोप के बहुत सारा कंट्री ने मिलकर एक यूनियन बनाया है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन बेसिकली क्या है कि उसका जो हेड क्वार्टर है, बात समझ नहीं,
यूरोपियन यूनियन एंड बेनेक्स, दोनों का, यूरोपियन यूनियन एंड बेनेक्स। बेनेक्स में तीन वो कंट्री समझे, नहीं सबसे ऊपर बेनेक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, लेकिन सबसे ऊपर नीदरलैंड, बीच में बेल्जियम, नीचे लग्जमबर्ग, छोटा सा है। ये तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ये ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। फिर अ वार लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड, करा क्या, किसी भी एक देश या पार्टिकुलर रीजन में दो अपोजिट मतलब कि किसी भी तरह के ग्रुप के बीच में जो होता है वॉर शुरू हो जाता है। अपोजिट ग्रुप कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच हो जाए, दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोल्ड वार तो कहेंगे नहीं, सिविल वॉर, सिविल वॉर उसे क्या कहेंगे, हम सिविल वॉर कहेंगे, एथनिक वॉर कहेंगे नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अगला देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट है तो ऑप्शन डी मारेंगे, ऑप्शन गजब का क्वेश्चन बना, मतलब थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के बना देते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड बिटवीन 1970 टू 1993, तो 1970 से 1993 के बीच जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कितने बार अमेंडमेंट हो चुका था, उसमें संशोधन बदलाव हुआ था, तो चार बार, फोर टाइम्स, ठीक है ना। करा गया हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, करा गया कौन, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था बेल्जियम में वो कौन इलेक्ट करता था, तो वो कौन इलेक्ट करेंगे, जो मतलब किसी लैंग्वेज से आते थे, वहाँ लैंग्वेज के बेस पर तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जो लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज से जो आ रहे थे वही चुन रहे थे, ठीक है ना। तो करा गया पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, फिर करा गया लीडर्स बेल्जियम, कम्युनिटी लीडर्स बेल्जियम, नहीं तो ए नंबर क्या होगा, लैंग्वेज वाला था, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बेल्जियम हैज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेल्जियम जो है किस प्रिंसिपल के बेस पर वहाँ गवर्नमेंट बनाया गया था, ठीक है ना। तो एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब मेल मिलाप करके सभी के बातों को लेकर के हार्मोनी के आधार पर, ठीक है ना। तो एकोमोडेशन के बेस पर, मेजोरिटेरियनिज्म के बेस पर कौन करेगा था, श्रीलंका, श्रीलंका में क्या, सीला भाषा के आधार, मतलब सीली जितने भी लोग थे उनके गवर्नमेंट क्या कर दिया गया, उनके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट बनाया गया, उनके भाषा को रिकोगनाइज कर दिया गया मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, इसलिए मेजोरिटेरियनिज्म के बेस पर कौन, बेल्जियम, याद रखना है। बेल्जियम को हमारे देश के किस स्टेट से कंपेयर किया जाता है, तो हरियाणा से, क्योंकि उससे छोटा देश है, ठीक है ना, अगर जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में देखें तो उससे आधा है। करेक्ट, व्हेन श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, देखिए श्रीलंका जो है ना 1948 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है ना, 1948 में, याद रखना आपको। विच नाइबर कंट्री इज बेटर देन एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन है, श्रीलंका सबसे आगे, पर नहीं पढ़े हुए थे आप लोग डेवलपमेंट में। विच कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड सिलोन, देखिए सिलोन जो था ना श्रीलंका को कहा जाता था, देखिए खूब ध्यान में रखिएगा, 1948 में जब आजाद हुआ उसको सिलोन कहा जाता था, सिलोन, लेकिन उसको क्या हुआ 1972 में इसको लंका कह दिया गया, लंका नाम बना दिया गया, लेकिन 1978 में इसको श्रीलंका कहा गया, श्रीलंका, ठीक है। तो 1978 में क्या किया गया, इसको श्री लगा करके क्या बना दिया गया, श्रीलंका, ठीक है ना। करा कैपिटल ऑफ श्रीलंका, देखिए कैपिटल ऑफ श्रीलंका वर्तमान में एट प्रेजेंट अगर बात करेंगे श्री जयवर्धनम पुरेकोटे, ठीक है ना, यहाँ पर अभी कैपिटल ऑफ श्रीलंका है, लेकिन पहले क्या था, इसके पहले श्रीलंका था, बात समझ आ गया, इसके पहले क्या था, श्रीलंका। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, देखिए हम बात कर रहे हैं क्या, यहाँ देखिए श्रीलंकन तमिल्स की बात कर रहे हैं, देखिए तमिल्स जो थे ना, देखिए हम श्रीलंका के जब कंपोजिशन की बात करें उसमें दो को सबसे ज्यादा थे, एक जो थे सिली लैंग्वेज वाले थे जिनका संख्या 74% था, तमिल्स लैंग्वेज वाले थे जिनका संख्या क्या था 18% था, 18%, लेकिन उस तमिल्स लैंग्वेज में दो तरह के थे, सब ग्रुप्स था उनमें, एक श्रीलंकन तमिल जो नेटिव थे, नेटिव का मतलब होता है श्रीलंके में जन्म लिया, ठीक है ना, तो जो नेटिव श्रीलंकन थे, ठीक है ना, नेटिव जो वहां पर वहीं पर उनका जन्म हुआ था उनको कहा गया श्रीलंकन तमिल्स, जिनका संख्या 13% था, 13%, लेकिन कुछ तमिल्स जो थे इंडिया के तमिलनाडु से गए हुए थे, बात समझ नहीं, इंडिया के तमिलनाडु से जब कॉलोनियल पीरियड था ना, तो यहाँ से लोग जो है यहाँ से काम करने के लिए अंग्रेज सब ले जाते थे वहां पर, वहीं पर गए, वो बस गए वहीं पर रह गए, तो उनके उनके जो दादा परदादा थे उनके उनके जो बाल बच्चे हुए वो कहलाए इंडियन तमिल्स, ठीक है ना। तो इंडियन तमिल्स, तो इंडियन तमिल्स का जो संख्या था वो 5-13 तो हो गया श्रीलंकन तमिल्स, तो 5 इंडियन तमिल्स, बात समझ नहीं। और जो तमिल्स में जो मैक्सिमम जो लोग थे वो कौन थे, हिंदू मुस्लिम थे, ठीक है ना, और क्रिश्चियन में क्रिश्चियन कौन थे 7%, बात समझ आ गया। और जो जो सिली लैंग्वेज बोलने वाले थे उनकी वो उसमें किस तरह के धर्म के लोग आते थे, तो बुद्धिज्म मतलब बुद्धिस्ट आते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, ठीक है ना। देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन करा क्या, परसेंटेज ऑफ सिली इन श्रीलंका, करा क्या, ये जो सिहली जो थे ये श्रीलंका में इनकी परसेंटेज क्या था, तो इनकी परसेंटेज 74%, 74%। फिर परसेंटेज ऑफ तमिल्स, तमिल्स का संख्या, तमिल्स टोटल केवल तमिल्स पूछ रहा है, श्रीलंकन तमिल्स पूछेगा तो 13, इंडियन तमिल्स 5, परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन 7%,
करेगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से 32 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। करेगा व्हिच कंट्री हैज एडॉप्टेड बुद्धिज्म एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। देखिए एथी में क्या किया गया, श्रीलंका में ऑफिशियल रिलीजन, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कोई रिलीजन ऑफिशियल कोई भी मतलब कि नेशनल रिलीजन नहीं है, क्योंकि हम लोग किस तरह के देश में आते हैं, हम्म, सेकुलरिज्म, मतलब कोई भी धर्म जो होगा स्टेट की नजर में रिकॉग्नाइज, स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ये धर्म जो है मतलब नेशनल धर्म नहीं माना जाएगा, सब धर्म क्या होंगे बराबर होगी। लेकिन क्या किया गया श्रीलंका में, क्या किया, बौद्ध धर्म को क्या किया नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब एक तरह से ऑफिशियल मतलब रिलीजन के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, ठीक है ना। श्रीलंका में ध्यान में रखना है, इंडिया में कोई भी धर्म रिकॉग्नाइज नहीं किया गया क्योंकि हम लोग सेकुलर कंट्री है हमारा देश। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में जो सबसे अधिक किस कास्ट के लोग थे, तो सबसे अधिक जो थे वो थे सिंहला, सिंहला तो थे ही, सिंहला एंड तमिल्स, ठीक है ना। वो कौन थे, सिंहली एंड तमिल, यहाँ यहाँ पर सिंहला जाति के लोग थे और तमिल्स थे, ठीक है ना। ये सिंहली भाषा बोलते थे, ये तमिल्स बोलते थे, समझ आ गया। नेक्स्ट, श्रीलंकन तमिल्स डिमांडेड एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे ना वो अपना अलग स्टेट मांग रहे थे, तमिलेलम, जिसका नाम क्या था, तमिलेलम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रखे, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन विच रीजन ऑफ श्रीलंका। देखिए जब भी बात करेगा कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो किस रीजन में रहते, तो नॉर्थ ईस्ट में, याद आपको हमेशा रखना है, किस रीजन में वो रह रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट में, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है ना। फिर कह रखा है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंस अमॉन्ग एथनिक पॉपुलेशन। हाँ देखिए करा जाए, किस कंट्री ने सक्सेसफुली जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो था पॉपुलेशन थे उनके बीच में हार्मोनी बना करके मतलब कि क्या किया, गवर्नमेंट का स्थापना किया और वो अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या किया, एस्टेब्लिश किया। तो एक तरह से जो था इसमें सक्सेस कौन हुआ था, बेल्जियम, ठीक है ना। बेल्जियम सभी जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उन सभी लोगों को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट बनाया, ठीक है ना, एकोमोडेशन के बेस पे। लेकिन श्रीलंका मेजोरिटी के बेस पर किया गया, इसलिए यहाँ पर सिविल वॉर हुआ, बहुत सारा वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे श्रीलंका में, ठीक है ना। अगर फाइंड द इनकॉरेक्ट ऑप्शन, इनकॉरेक्ट ऑप्शन बताना। कल श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948, नहीं ये 1948 में होगा, ठीक है ना। तो यही गलत है, बाकी सब क्या है, सही है, बाकी सब क्या है, सही है। इन 1956 ये भी सही ही हो, पावर शेयरिंग बुड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल बॉडी भी सही है। 1956 एंड एक्ट वाज पास रिकॉग्नाइज सीना रिकॉग्नाइज, ये भी सही है। करा क्या है, इन विच कंट्री लीटे लिबरल, हाँ यहाँ पर देखिए LTTE, ये जो था लीटे था ना वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये क्या था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था बेसिकली। ये इंडिया से ही गए हुए थे ये लोग और ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए थे, यही लोग डिमांड कर रहे थे बस, अब देखने कि हमें क्या चाहिए, एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है ना। तमिल एलम ये कहाँ का था, श्रीलंका का था। व्हेन लिटे फॉर्म 1976 करीब में जो था ये लीटे वहां पर इंटर किया था, लेकिन ये जो है वहां पर एक तरह से इमर्ज किया 1980s के दशक में, डेकेड में, डिमांड ऑफ लीटे तो तमिल एलम। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग के उसके फीचर्स को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, कितने तरह के पावर शेयरिंग होता है और क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है उसको देखेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। आपसे उम्मीद यही हम हमेशा करते हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाइएगा, उसको रिविजन कीजिएगा, तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ आने वाला है, बस समझ नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।